माय चैनल एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ अवर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सुपरविजन के बारे में, प्लानिंग क्या है, बजट क्या है, फाइनेंस क्या है, इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, हाउ टू टेक केयर ऑफ इक्विपमेंट्स, व्हाट आर जिमनेजियम एंड प्लेग्राउंड। इस पार्ट में हम बात करेंगे व्हाट इज टाइम टेबल, व्हाट इज लेसन प्लान, व्हाट आर टीचिंग मेथड्स, व्हाट आर टीचिंग एड्स एंड लास्टली व्हाट आर टूर्नामेंट्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइम टेबल के बारे में कि जो टाइम टेबल या फिर समय सारणी जो है वो क्या है। तो टाइम टेबल क्या है? टाइम टेबल एक प्लान है अपने काम को सिस्टमैटिकली करने के लिए। किसी भी स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन, उनका काम जो है वो प्रॉपर ढंग से हो सके, टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, इसलिए उन्हें टाइम टेबल की नीड होती है। किसी ने कहा था कि हम इसलिए नहीं थकते क्योंकि हम बहुत सारा काम करते हैं, हम थकते इसलिए हैं क्योंकि हम अपने काम को मैनेज ढंग से नहीं करते हैं। सो फॉर एवरीवन टाइम टेबल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो टाइम टेबल है वो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, कोई वर्किंग पर्सन हो, या फिर कोई टीचर हो, या स्कूल हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, हर किसी का काम जो है वो मैनेज्ड हो, हैसल फ्री हो, इसके लिए उसे टाइम टेबल जो है वो रिक्वायर्ड है। जो टाइम टेबल है वो ये बताता है कि आपको किस वक्त कौन सा काम करना है, ताकि आप जो अपना काम है वो एक लिमिटेड टाइम में खत्म कर सके और आप अपने टाइम का जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके। फिर बात करें कि टाइम टेबल की नीड क्या है किसी भी इंस्टीट्यूशन को, कॉलेज को। तो जो टाइम टेबल है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन या कॉलेज का जो टाइम है, उनके जो रिसोर्सेज हैं, उसका प्रॉपर और इफिशियंट यूटिलाइजेशन के लिए हेल्पफुल है। किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन का जो टाइम है वो एक फिक्स टाइम होता है, उनके पास फिक्स रिसोर्सेज होते हैं, बट उनका टाइम टेबल जो है वो अपने अच्छे टाइम टेबल से उस टाइम का, उन रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ताकि वो उतने ही टाइम में अपने जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके और ज़्यादा लोग उसका यूज़ कर सके और उसका इफिशियंटली आउटपुट भी ले सके। सो जो टाइम टेबल है ये हमारे टाइम और एनर्जी और रिसोर्सेज, ये तीनों ही चीज़ों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है, सो दैट कोई भी स्कूल, इंस्टीट्यूशन जो है वो अपनी इफेक्टिव प्रोग्रेस कर सके, फिर वो चाहे टीचर हो, वहाँ के स्टाफ हो या फिर स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें कि आपको टाइम टेबल बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए या फिर कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं टाइम टेबल के, तो सबसे पहली चीज है कि टाइप ऑफ स्कूल। जब भी आप टाइम टेबल बनाए तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो कि जो स्कूल है वो कैसा है। स्कूल जो है वो कोएड है या फिर गर्ल्स के लिए है, बॉयज के लिए है, या फिर वहाँ पे जो बच्चे हैं वो रूरल एरिया से आते हैं, या फिर उनका एज ग्रुप क्या है। तो सबसे पहले हमें ये कंसीडर करना होता है अपने टाइम टेबल को बनाने से पहले। फिर सेकेंड चीज है अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। हमारे पास कितना टाइम अवेलेबल है इसको कंसीडर करके ही हम एक बेस्ट टाइम टेबल बना सकते हैं। जितना भी हमारे पास अलॉटेड टाइम है हमें उसको ही प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ताकि उतने ही टाइम का हम मैक्सिमम आउटपुट ले सके। देन द थर्ड इज इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट। तो स्कूल में जो टाइम टेबल है वो इस हिसाब से बनाया जाता है कि किस पर्टिकुलर क्लास में कौन से इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, या फिर कौन से उनके मेन सब्जेक्ट हैं, कौन से उनके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, ताकि जो उनका मेन सब्जेक्ट है, सिलेबस है, उसको टाइम पे खत्म किया जा सके और जो भी सब्जेक्ट है उसे पढ़ने के लिए उन्हें प्रॉपर टाइम मिल सके। देन द नेक्स्ट वन इज जस्टिस। जब भी टाइम टेबल बनाया जाए तो इट शुड बी जस्टिस टू टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स। जो भी टाइम टेबल है वो ना तो टीचर के ऊपर बोझ होना चाहिए, ना तो वो स्टूडेंट्स के ऊपर। टाइम टेबल जो है वो टीचर्स के लिए भी ऐसा होना चाहिए कि वो इफेक्टिवली जाके क्लासेस ले सके। अगर बच्चों को भी एक के बाद एक जो है वो टफ सब्जेक्ट की क्लासेस दी जाएंगी, तो हो सकता है कि वो भी एक दो क्लासेस के बाद उन्हें पढ़ने का मन ना करे और दे में स्टार्ट बोर्ड है। तो जो भी टाइम टेबल बनाया जाए वो इस हिसाब से बनाया जाए कि जो बच्चे हैं वो भी उसको अच्छे से अडेप्ट कर सके और जो टीचर है उसके लिए भी वो फ्रेंडली हो। फिर है स्कूल बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट। टाइम टेबल जो है स्कूल की बिल्डिंग और हमारे पास जो इक्विपमेंट है उसको ध्यान में रख के बनाना चाहिए। जैसे अगर स्कूल में एक ही प्लेग्राउंड है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि एक टाइम पर दो या दो से ज्यादा क्लासेस ग्राउंड में ना आए, ताकि जो ग्राउंड है वहां पे क्राउड ना हो जाए। तो ये चीज भी ध्यान रखनी चाहिए जब आप टाइम टेबल को बनाते हैं। फिर
नेक्स्ट है क्लाइमेट। क्लाइमेट को ध्यान रख के भी जो टाइम टेबल है उसको चेंज करना चाहिए। जैसे गर्मियों के सीजन में जब धूप है वो दोपहर में ज्यादा हो जाती है, तो उनको इस तरीके से उनका टाइम जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि मॉर्निंग के टाइम पे उनकी आउटडोर क्लासेस हो और जब धूप ज्यादा हो तब उनकी क्लासरूम टीचिंग हो। फिर नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। कोई भी जो टाइम टेबल है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि उसमें कोई नई चीज ऐड करना या रिमूव करना जो है वो इजी हो। फिर नेक्स्ट इज वैकेंट पीरियड फॉर टीचर्स, मतलब जो भी टीचर्स हैं उनको पूरे दिन में खाली पीरियड्स भी मिलने चाहिए सो दैट दे कैन रेस्ट, वो अपने आप को फिर से एनर्जाइज कर सके नेक्स्ट क्लास के लिए। फिर बात करें मेथड्स ऑफ टीचिंग की, तो मेथड्स ऑफ टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा आते हैं एग्जाम में, तो यहाँ पर आपको बेसिकली 10 मेथड्स हैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ने हैं। आपको सिर्फ इतना ही पता करना है कि कौन सा मेथड का क्या मतलब होता है और कौन सा मेथड जो है वो कब यूज किया जाता है। तो सबसे पहले बात करें लेक्चर मेथड की। लेक्चर मेथड को हम ओरल मेथड भी कहते हैं। लेक्चर मेथड में जो टीचर है वो बच्चों को लेक्चर देता है, विच इज एन ओरल फॉर्म, जो कि बोल के देता है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लिसनिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि जो टीचर बोल रहा है वो उसको सुन सके। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो बेसिकली वन वे कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि जो टीचर है वो बोलता है और जो बच्चे हैं वो सुनते हैं। लेक्चर मेथड का एडवांटेज ये है कि जो टीचर है वो उस टॉपिक को अपनी लैंग्वेज में इजीली लोगों को समझा सकता है। स्टूडेंट्स जो है वो टॉपिक्स को समझ सकते हैं, वो स्टोरी के फॉर्म में समझा सकता है, वो उनको एक्सप्लेन कर सकता है इजी लैंग्वेज में। जो लेक्चर मेथड है वो एलिमेंट्री लेवल पे या फिर छोटे बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल नहीं होता, बट वो बड़े बच्चों के लिए जो लेक्चर मेथड है वो अच्छा माना जाता है, जो कि क्लासरूम टीचिंग के लिए यूज किया जाता है बेसिकली। देन सेकेंड वन इज डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड इज अ टू वे कम्युनिकेशन। यहाँ पर जो टीचर है वो स्टूडेंट से डिस्कस करता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स में जो इनोवेटिव थिंकिंग है वो डेवलप होती है, उनमें बोलने की एबिलिटी डेवलप होती है। डिस्कशन मेथड जो है वो तब इफेक्टिव होता है जब बच्चों को भी उस बारे में पता हो जिस बारे में वो टीचर पढ़ा रहा है। अगर बच्चों को उस बारे में नॉलेज नहीं है तो वहां पर डिस्कशन मेथड जो है वो बहुत इफेक्टिव नहीं होता है। Then the third one is demonstration method. जो demonstration method है वो physical education के लिए सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि demonstration method में जो teacher है वो demonstrate करके दिखाता है कि वो चीज कैसे होगी। demonstration method के लिए एक important चीज है कि अगर teacher कोई skill करके दिखा रहा है या फिर physical education teacher कोई skill को demonstrate कर रहा है, then he should know the skill. अगर उसे वो चीज करने नहीं आती है तो वो अच्छे से उसे डेमोंस्ट्रेट नहीं कर पाएगा, और उस कंडीशन में जो डेमोंस्ट्रेशन मेथड है वो इफेक्टिव नहीं होगा। सो डेमोंस्ट्रेशन मेथड जो है वो तब इफेक्टिव होता है जब टीचर को उस चीज को डेमोंस्ट्रेट करने आए, और डेमोंस्ट्रेशन मेथड जो है वो फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज को सिखाने के लिए सबसे इफेक्टिव माना जाता है। देन द फोर्थ वन इज इमिटेशन मेथड। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना, जो कि बेसिक लेवल पे या फिर छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर जो टीचर है वो कोई चीज एक्ट करता है या कुछ डेमोंस्ट्रेट करता है और बच्चे भी उसके साथ में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फिजिकल एजुकेशन का ले, तो वहां पर ग्राउंड एक्टिविटी में जब एक्सरसाइज करते हैं तो टीचर जो है वो एक्सरसाइज करता है और जो बच्चे हैं वो उसे इमिटेट करते हैं, यानी उसकी नकल करते हैं, तो उस टाइम जो मेथड यूज होता है दैट इज इमिटेशन मेथड। फिर फिफ्थ है कमांड मेथड। कमांड मेथड जो है वो तब यूजफुल है जब बच्चों को स्टूडेंट्स को उस कमांड के बारे में पता हो। अगर स्टूडेंट्स को उस कमांड के बारे में नहीं पता है तो उस कंडीशन में कमांड मेथड जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा। कमांड मेथड जो है वो मार्चिंग के टाइम, असेंबली के टाइम जो है वो यूज किया जाता है। फिर बात करें ड्रामेटाइजेशन मेथड की, तो यहाँ पर जो टीचर है वो चीजों को ड्रामा करके दिखाते हैं, जैसे बर्ड की, एनिमल, ट्रेन, एरोप्लेन, ये सबको ड्रामा के फॉर्म में बच्चों को दिखाना ताकि वो चीजों को और अच्छे से समझ सके। जो ड्रामेटाइजेशन मेथड है वो क्लासरूम में टीचिंग के लिए और ग्राउंड में टीचिंग दोनों के लिए ही इफेक्टिव होता है। देन नेक्स्ट इज एट विल मेथड। एट विल का मतलब है कि बच्चों को उनकी मर्जी के हिसाब से काम करने के लिए फ्री कर देना, या फिर उनकी मर्जी की जो भी एक्सरसाइज वो करना चाहते हैं उन्हें वो करने के लिए फ्री करना या वो करने की उन्हें परमिशन देना इज कॉल्ड एट विल मेथड, यानी अपनी मर्जी से। फिर हमारा एट है होल मेथड। जब भी हम किसी भी स्किल को या एक्टिविटी को पूरा एक साथ करके दिखाते हैं तब हम उसे कहते हैं होल मेथड, और जब हम उस एक्टिविटी को पार्ट्स में करके दिखाते हैं तब हम उसे कहते हैं पार्ट मेथड। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी को डिस्कस थ्रो फेंकना सिखा रहे हैं, तो अगर हम इनिशियल फेज से रिलीज फेज तक एक साथ करके दिखाते हैं सो इट इज अ होल मेथड। अगर हम इनिशियल फेज को अलग रखते हैं, सर्कुलर मूवमेंट को अलग रखते हैं, रिलीज फेज को अलग रखते हैं,
देन इट विल बी नोन एज पार्ट मेथड। जब भी हम किसी को कोई एक्टिविटी सिखाते हैं तो सबसे पहले हम उसे होल मेथड में डेमोंस्ट्रेट करते हैं, फिर हम उसे बाई पार्ट मेथड में डेमोंस्ट्रेट करते हैं, उसके बाद फिर हम बच्चों को जब सिखाते हैं तो सबसे पहले हम उन्हें बाई पार्ट मेथड सिखाते हैं और फिर उन्हें सिखाते हैं पूरी होल स्किल। सो इस पूरे को बोलते हैं हम होल पार्ट होल मेथड। देन द लास्ट वन इज सेट ड्रिल मेथड। सेट ड्रिल मेथड जो है वो ऐसी एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है जहां पर आप मास ड्रिल कराते हैं, जैसे कि बैंड के साथ, हुप के साथ, डंबल्स के साथ, क्लब के साथ। तो ऐसे जब कोई मास ड्रिल कराते हैं तो वहां पर हम सेट ड्रिल मेथड यूज करते हैं। फिर बात करें टीचिंग एड्स के बारे में, तो कोई भी चीज जो आपकी टीचिंग में हेल्प करती है या फिर आपकी टीचिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, टीचिंग के इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करती है, देन उसे हम कहते हैं टीचिंग एड। तो यहाँ पर कुछ टीचिंग एड है। एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि इनमें से कौन सी चीज टीचिंग एड है। तो जो ये बोर्ड है, मार्कर है, चॉक है, मॉडल्स है, पिक्चर्स है, चार्ट है, मैप है, प्रोजेक्टर है, स्लाइड है, ऑडियो विजुअल एड्स है, तो ये सारी चीजें जो है वो एज अ टीचिंग एड हम यूज करते हैं। जैसे जो ऑडियो विजुअल एड्स है वो टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं, स्टूडेंट्स जो है उसे इंटरेस्टिंगली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम प्रोजेक्टर मेथड की बात करें, अगर हम स्लाइड्स की बात करें, तो जो स्लाइड्स है ये हमारे टीचिंग मेथड्स को हेल्प करती है। अगर हम अपनी स्लाइड्स को लेके जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें लिखनी नहीं पड़ती है, तो इससे हमारा टाइम भी बचता है और हमारी जो टीचिंग है उसकी इफेक्टिवनेस भी बढ़ती है। फिर बात करेंगे टूर्नामेंट के बारे में, तो टूर्नामेंट क्या है? टूर्नामेंट इज द सीरीज ऑफ कॉम्पिटिशन जस्ट टू डिसाइड द विनर। यानी टूर्नामेंट जो है वो एक कॉम्पिटिशन का समूह है ताकि हम वहां से एक विनर जो है वो डिसाइड कर सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल की। इंटरम्यूरल क्या है? जब भी कोई टूर्नामेंट, कोई कंपटीशन जो है वो किसी इंस्टीट्यूशन या स्कूल के अंदर कराया जाता है, उनके लोगों के लिए कराया जाता है, जहां पर किसी स्कूल में कराया जाता है तो सिर्फ उस स्कूल के बच्चे ही पार्टिसिपेट करते हैं, किसी कॉलेज में कराया जाएगा तो उस पर्टिकुलर कॉलेज के बच्चे ही पार्टिसिपेट करेंगे, तो ऐसे कॉम्पिटिशन को हम कहते हैं इंट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल का ऑब्जेक्टिव ये है कि वहां पे पढ़ने वाले बच्चे या फिर जो बच्चे नॉन प्लेयर्स भी हैं उनको भी मौका मिले खेलने का, जानने का कि वो स्पोर्ट्स कैसा होता है, स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो उनमें डेवलप करने का, उनके अंदर जो सोशल क्वालिटीज है उसको डेवलप करने के लिए जो इंट्राम्यूरल है वो कराया जाता है। इंट्राम्यूरल का एक और ऑब्जेक्टिव है कि वहां पर जो बच्चे हैं जो खेलना चाहते हैं या फिर जिसने कभी नहीं खेला, तो हो सकता है कि वहां से आपको कोई अच्छा प्लेयर भी मिल जाए। सो इंट्राम्यूरल जो है बेसिकली वो किसी भी इंस्टीट्यूशन या स्कूल के बच्चों के बीच में ही कराया जाता है। इंट्राम्यूरल कराने के लिए वहां के बच्चों को हाउसेस में डिवाइड कर सकते हैं या फिर किसी ग्रुप के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है ताकि उनके बीच में जो कॉम्पिटिशन है वो कराए जा सके। फिर बात करें एक्स्ट्राम्यूरल की, तो एक्स्ट्राम्यूरल में जो कॉम्पिटिशन कराया जाता है वो इंटर इंस्टीट्यूट, इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट या फिर ओलंपिक्स जो है लाइक इंटरनेशनल टूर्नामेंट, तो ये सारी चीजें जो है वो एक्स्ट्राम्यूरल है। एक्स्ट्राम्यूरल जो है वो प्लेयर्स को मौका देता है अपनी स्किल्स को दिखाने का, अपने कॉलेज के लिए, अपने स्कूल के लिए, अपनी कंट्री के लिए कुछ करने का, खुद को एज ए स्पोर्ट्स पर्सन डेवलप करने का, खुद को एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन बनाने का। तो अब बात करें जो टूर्नामेंट है वो कितने टाइप के होते हैं, तो जो टूर्नामेंट है वो बेसिकली चार टाइप के होते हैं। सबसे पहला है नॉकआउट, दूसरा है लीग, तीसरा है कॉम्बिनेशन और चौथा है चैलेंज टूर्नामेंट। ये चार तरह के टूर्नामेंट है जो की आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड कोई ना कोई। तो सबसे पहला है नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट को हम एलिमिनेशन टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है कि अगर कोई टीम कोई मैच हार जाती है तो वो उस टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, फिर वो दोबारा उस टूर्नामेंट में कोई भी मैच नहीं खेलती। नॉकआउट टूर्नामेंट का मतलब यही है कि आप हारोगे तो उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट से बाहर हो जाओगे। तो अगर आपको उस टूर्नामेंट में रहना है, उसको जीतना है, तो आपको हर एक मैच जो है वो जीतना होता है। फिर लीग में क्या है? लीग में हर एक टीम को हर एक दूसरी टीम से खेलने का मौका मिलता है, चाहे वो जीते या वो हारे, तो दिस इज लीग। कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब हम नॉकआउट और लीग दोनों को मिक्स कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। जैसे लीग कम नॉकआउट, लीग कम लीग, नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग। इसको कराने के लिए हम जो है टीम्स को पूल में डिवाइड करते हैं या फिर ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इनिशियल फेज पे हम कभी लीग टूर्नामेंट कराते हैं और वहां से जो हमें विनर टीम मिली है
उनका हम नॉकआउट करा देते हैं या फिर हम इनिशियल फेज पे नॉकआउट कराते हैं और वहां से हमें जो विनर टीम मिलती है उनका हम लीग करा देते हैं। तो इस तरह होता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। फिर बात करें चैलेंज टूर्नामेंट की, तो चैलेंज टूर्नामेंट में कोई भी टीम जो है किसी दूसरी टीम को चैलेंज कर सकती है अगर वो उससे हार गई है। यहाँ पर कोई टीम भी हो सकती है, इंडिविजुअल स्पोर्ट भी हो सकते हैं, पर जो चैलेंज टूर्नामेंट है वो जनरली इंडिविजुअल स्पोर्ट में ही होता है। टीम गेम्स में चैलेंज टूर्नामेंट बहुत कम देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेसलिंग जैसे गेम में कोई अपने से ओवर कैटेगरी वाले से फाइट करना चाहता है तो वो उसको चैलेंज कर सकता है। चैलेंज टूर्नामेंट का एक रूल है कि कोई भी अपने से नीचे वाले को कभी चैलेंज नहीं कर सकता, जिसे वो पहले हरा चुका है या फिर जो उससे लोअर वेट कैटेगरी में है उसको कभी चैलेंज नहीं करते। जब भी चैलेंज करते हैं तो अपने से बेटर को ही चैलेंज करते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्स्चर कैसे बनाते हैं, लीग का फिक्स्चर कैसे बनाते हैं, इसके वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। तो ये था आपका पूरा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ सेकेंड पार्ट। आपके स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में इतनी ही चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़नी है। सो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। टिल दैट कीप वॉचिंग टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।